अब अगर ऐसे गुलाब जामुन मिले और वो भी घर में बने हुए तो फिर बात ही क्या है। हाय एवरीवन, मैं अनिमा स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल माय व्यंजन बाय अनिमा में। तो चलिए आज हम गुलाब जामुन बनाते हैं और मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ जिससे आपके गुलाब जामुन बहुत ही टेस्टी बनेगी और ना ही फटेगी ना ही कच्ची रह जाएगी। सबको यही डर होता है कि गुलाब जामुन बना तो लें लेकिन क्या वो मार्केट जैसी बनेगी। अरे मार्केट से अच्छी बनने वाली है। चलिए आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने इसको तोड़ के भी दिखाया है, अंदर से भी कितनी जूसी है और बहुत अच्छे से पक गई है। देखिए इसमें मैंने अंदर में किशमिश फिल किया हुआ है। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम देखते हैं इसके लिए, इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो यहाँ हमने ले रखा है 250 ग्राम खोया ले रखा है और 100 ग्राम पनीर ले रखा है। आप चाहें तो घर में बना खोया भी ले सकते हैं, मैंने अभी मार्केट का ही यूज़ किया है। वैसे घर में बने खोए का बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। और इसे मसलना है, आप या तो आप अपने हाथों से मसल लीजिए या फिर आप इसके जगह मिक्सी भी यूज़ कर सकते हैं, ग्राइंड कर सकते हैं इसको मिक्सर ग्राइंडर में। तो मैंने यहाँ पे मिक्सी लिया है, जस्ट 1 से 1.5 मिनट तक खोए को इसमें हम ग्राइंड कर लेंगे। इससे क्या होता है, इससे लम्ब सारे आपके हट जाएंगे, इससे बहुत अच्छा एक स्मूथ सा हमें खोया बन के मिल जाएगा। पनीर को भी हम इसी में ही ग्राइंड कर लेंगे, लेकिन पनीर चूँकि बहुत लाइट होता है तो इसको हम 1/2 मिनट से भी कम ग्राइंड करेंगे। एक या दो बार मिक्सी को चलाइए और बस आपका पनीर हो जाएगा इस तरीके से, स्मूथ बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो अब इन दोनों को आपस में फिर हम हल्का सा एक अच्छा सा एक डो बनाने के लिए, देखिए इस सबको आपस में हम अच्छे से मिला लेंगे। 1 से 2 मिनट तक इसको अच्छे से मिक्स कीजिए, अपने हाथों से ही यूज़ कीजिए। हाथों को अच्छे से पहले धो करके साफ़ कर लेना है क्योंकि हम इसे हाथों से ही बनाने वाले हैं। अब यहाँ 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा हम इसमें डालेंगे। इसके बाद गुलाब जल ले रखा है मैंने, 1 छोटे चम्मच गुलाब जल डाल दिया है। अब गुलाब जामुन है तो गुलाब जल डालना तो बनता है। इसके बाद हमने क्या किया है, मैदा ले रखा है, 2 छोटे चम्मच मैदा मैंने इसमें मिलाया है। लेकिन ये वैरी करता है कि कैसा आपका ये है खोया और पनीर है। यहाँ 1/2 छोटी चम्मच ही इलायची पाउडर ले रखा है। तो मैदा आप जब भी मिलाएं तो वो एक्चुअली आपको देखना पड़ेगा कि कई बार क्या होता है, घर का बना पनीर है तो हमारा पनीर थोड़ा सख्त होता है, मार्केट वाला पानी पनीर सा होता है थोड़ा, तो लिक्विडी उसका जब आप मसलेंगे तो वो थोड़ा सा लिक्विड ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें हमें मैदा ज़्यादा लेना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा आपको देखना होगा, लेकिन एक एवरेज मैंने बता दिया। इसी तरीके से हाथों से अच्छे से मसल मसल के आपको डो को तैयार करना है। बहुत गीला भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा मैदा नहीं मिलाइए कि बहुत हार्ड हो जाए। तो मैंने 2 चम्मच लिया है, लेकिन अगर पनीर और खोया देख के अगर आपको लगता है तो आप 1/2 चम्मच और भी डाल सकते हैं। इस तरीके से हम चिकना सा एक अच्छा सा डो बना करके तैयार कर लेंगे। देखिए अब जब तक ये डो को हम रेस्ट पे छोड़ देते हैं तब तक हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी के लिए हमें 2 छोटी कटोरी हमने ले रखी है चीनी और बराबर इक्वल अमाउंट ही हम पानी लेंगे। ये दोनों कटोरी मिला के लगभग 1/2 किलो के जितना चीनी है हमारा। इसमें छोटी इलायची और थोड़ी सी 2-4 दाने मैंने सौंफ के भी डाल रखे हैं, ये ऑप्शनल है, इससे बहुत अच्छा लेकिन टेस्ट आता है। इन सबको मिला के अभी हम इसको कुक करेंगे। 7 से 8 मिनट या 10 से 12 मिनट लग सकता है, ये टोटली डिपेंड करता है आपके कि आपने कितना चाशनी चाहिए। जब उबलने लगे तो 1 नींबू के स्लाइस को हम काट के इसमें डाल देंगे, 2 स्लाइस आप डाल दीजिए, इससे क्रिस्टल नहीं बनेगा। जैसा हमने रसगुल्ले में बनाया था या जलेबी वाले रेसिपी में बनाया था, बिल्कुल ऐसा ही आपको चाशनी तैयार करनी है। इसमें भी सेम उसी सब के जैसा एक तार की चाशनी हमें नहीं चाहिए, जस्ट शहद जैसा चिपकने वाला चाहिए। तो देखिए शहद जैसा चिपक रहा है तो चाशनी हमारी बन के हो गई है तैयार। तो इसको छान लेते हैं हम, और रसगुल्ले के लिए जितनी चाशनी चाहिए होती है उससे ज़्यादा हमें गुलाब जामुन के लिए चाशनी चाहिए होती है, क्योंकि गुलाब जामुन जब वो सोक करता है वो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने गुलाब जामुन के लिए बॉल्स बनाने हैं हमें। 1 छोटा सा पोर्शन लीजिए, 1 स्पून मैंने इसलिए यूज़ किया है ताकि इससे क्या होगा, अगर आप इससे यूज़ करेंगे तो बिल्कुल एक जैसा बनेगा आपका गुलाब जामुन। तो आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ के उससे भी आप बना सकते हैं। इसको बना के मैंने इसमें तो 1 किशमिश अंदर में डाल दिया है, आप चाहें तो बादाम डाल सकते हैं, काजू डाल सकते हैं, पिस्ता डाल सकते हैं, कुछ भी डाल लीजिए, या फिर डायरेक्ट वैसे भी बना सकते हैं।
और इसे अपने हाथों से एक स्मूथ सा अच्छा सा एक बॉल बनाइए। और ध्यान रखना है कि ये कहीं से क्रैक ना हो, क्योंकि अगर क्रैक हो गई तो वो तेल में जाके फिर फट जाएगा। तो इसीलिए अच्छे से चिकना करके बॉल बना लीजिए। अब मैंने रफली बनाए हैं, कुछ बड़े बनाए हैं, कुछ छोटे बनाए हैं, हर तरीके से बॉल बना के तैयार है। और यहाँ पे आपको तेल लेना है, बिल्कुल गुनगुना होना चाहिए। देखिए जैसे मैंने बॉल्स डाले हैं तो ये साइड से हल्का सा बबल आ रहा है, बिल्कुल ल्यूक वॉर्म जो बोलते हैं ना वो होता है। अब बहुत ज़्यादा गर्म अगर तेल होगा तो क्या होगा ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। सारे बॉल्स डाल लिए और आपको साइड से चम्मच से चलाना है, ठीक है। पूरे उसको गुलाब जामुन को हमें टच नहीं करना है। अब आप ऊपर देख सकते हैं कि अगर हमने तेल गरम डाला तो क्या होगा। एक मैंने बहुत तेज़ गरम करके डाल के दिखाया, देखिए अभी क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा फट जाएगा। अब गुलाब जामुन जब भी फटता है दो कारण से फटता है, या तो आपका तेल बहुत गर्म है, तो वो मैंने दिखा दिया, तेल को बिल्कुल ल्यूकवॉर्म में डालिए। और दूसरी चीज़ होती है कि आपका जो डो है उसमें या तो बेकिंग पाउडर ज़्यादा डल गया है या फिर मैदा कम डला है। तो दोनों ही केस में आपको करना क्या है, आपको जस्ट थोड़ा सा मैदा और मिला लेना है, या फिर आप रवा भी मिला सकते हैं। फिर वापस से हमेशा जब भी बनाइए गुलाब जामुन तो एक ही बॉल आप डाल के पहले उसको फ्राई करके देखिए, अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो फिर अपने डो को वापस से तैयार कीजिए और तब फ्राई कीजिए। और इसी तरीके से हम तेल को हल्के हल्के हिलाते रहेंगे और देखिए ये गुलाब जामुन अपने आप से फूलना स्टार्ट हो जाएगा और ये पक जाएगा। देखिए देखिए कैसे बीच वाला जो है वो पलटना स्टार्ट हो गया है अपने आप से। हम साइड से ही तेल हिला रहे हैं, उसको हमने टच भी नहीं किया है। और आप देखिए ये कैसे अपने आप से, देख रहे हैं ये बीच वाला जो है बिल्कुल अपने आप से, ऐसे ही हमारे सारे गुलाब जामुन आराम से ऐसे करके पलट जाएंगे। और बिल्कुल लो फ्लेम पे ही मैंने पूरा बनाया है, पूरी जो फ्राई करी है गुलाब जामुन वो लो फ्लेम पे ही है। 7 से 8 मिनट भी लग सकता है, 10 मिनट भी लग सकता है। अच्छा, अगर आप चाहें ये जैसे ऊपर में अलग से रेड सा आ रहा है, अगर आप चाहते हैं ऐसा नहीं हो तो आप एक या दो गुलाब जामुन ही एक बार में 2-3 ही तलें, या फिर और ऑयल आप और ज़्यादा ले सकते हैं। जैसे हलवाई लेते हैं ना, पूरी कढ़ाई भर के तेल लेते हैं या घी लेते हैं, तो उस तरीके से आप ले सकते हैं। लेकिन मैं तो यही सोचती हूँ कि वापस जो ऑयल बच जाएगा वो या तो मैं उसको कहीं यूज़ करती हूँ तो टॉक्सिक हो जाएगा, या फिर अगर यूज़ नहीं करती हूँ तो वो वेस्ट हो जाएगा। तो दोनों ही बेकार है मेरी समझ से। तो हम ऐसे भी तलेंगे, इससे टेस्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, देखिए। और कलर भी बाद में आपको पता ही नहीं चलेगा, चाशनी में जाने के बाद बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा। ये मैंने देखिए गुलाब जामुन हमारे तल के बिल्कुल तैयार हो गए हैं। ये डार्क कलर रखा है थोड़ा सा, तो कलर आप इतना भी रख सकते हैं, इसे डार्क भी कर सकते हैं और इसे लाइट भी कर सकते हैं। खोए का है तो अंदर से पकने या कच्चे होने का बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होता है। अब इमीडिएट ही गर्म गर्म ही हम इसको चाशनी में डाल देंगे और हल्के से एक स्पून से दबा देंगे। अब दूसरी जो मैंने तली है वो थोड़ा सा मैंने लाइट कलर रखा हुआ है। आपको दिखाने के लिए मैंने दो बर्तन में इसको शिफ्ट कर दिया ताकि मैं दिखा सकूँ कि अंदर वाला देखिए जो चाशनी एब्जॉर्ब कर लिया वो डूब गया है और ये अभी ऊपर है, ये भी डूब जाएगा। इससे 3 से 4 घंटे आप टिप रहने दीजिए और उसके बाद ये बन के देखिए 3 से 4 घंटे बाद बन के ये तैयार हो गया। बस इसे फटाफट से सर्व कीजिए। अगर रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।